भविष्य में सिर्फ कुछ दशकों के बाद प्रोजेक्ट स्टारशॉट, जिसमें हजारों स्पेसक्राफ्ट का एक झुंड पृथ्वी से निकलेगा। एंडीज माउंटेन्स के पश्चिम में एटाकामा डेजर्ट का यह हिस्सा इतना सूखा है कि यहां आज तक बारिश नहीं हुई है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें बिल्कुल साफ आसमान चाहिए होगा। जब पहली बार जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आया तो उसे किसी ने नहीं देखा। जब पक्षी पहली बार आसमान में उड़े थे तो उसे रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, पर इस बड़े कदम का हर तरीके से और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आखिर हम पहली बार अपने क्राफ्ट्स को सीधे दूसरे सूरज के ग्रहों पर भेज रहे हैं, अल्फा सेंचुरी सिस्टम। ये वो शिप्स हैं जो हमारी सेंसेस को वहां ले जाएंगी। ये वो इंटरस्टेलर सेलिंग शिप्स हैं जिन्हें लाइट चलाती है। इनके हल्स का वजन 1 ग्राम से कम है और एक मटर जितने बड़े हैं, पर फिर भी इनमें वो सब कुछ बल्कि उससे भी ज्यादा है जो नासा के वॉयेजर्स में था। जब लेजर्स के इस फेज्ड अरे से पहली लाइट निकलेगी तो स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कुछ ही मिनटों में 0 से लाइट की गति के 20% तक पहुँच जाएगी। इस हर एक नैनोक्राफ्ट के अंदर वो सब होगा जो एक नए तारे की दुनिया पर नजर डालने के लिए जरूरी है, और उन सब दृश्यों और वैज्ञानिक जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा। अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा खाली है, पर वहाँ कुछ छोटे धूल के कण हैं जो उस तेज रफ्तार पे चल रहे नैनोक्राफ्ट से टकराने पर उसे बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये उन वजहों में से एक है कि हमें ये बहुत सारे भेजने पड़ रहे हैं। वॉयेजर 1 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। उसे यहां से निकले 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन नैनोक्राफ्ट्स को उससे आगे निकलने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे। ये काफी तेज है, पर फिर भी लाइट की गति का 20% ही है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो ये 20 साल का वन वे ट्रिप है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी में एक दुनिया ऐसी भी है जिसमें जीवन हो सकता है। हमारे रोबोटिक जासूस इन नई दुनियाओं की जानकारी भेजेंगे। उनके संदेश हम तक रेडियो वेव्स के जरिए लाइट की गति से पहुंचेंगे। उन्हें हम तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे, 20 साल एक तरफ, 4 साल में वापस, यानी 24 साल का राउंड ट्रिप। आप में से बहुत से यहाँ होंगे। आप प्रकृति की किताब के उन नए पन्नों को पढ़ेंगे और लिखेंगे और बताएंगे कि भविष्य में कहाँ जाना है।